मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट मैदान पर सिक्का जमाने के लिए एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है उनका कोविड काल में लोगों की मदद करना। कोविड काल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाया है, जिससे बीमार लोगों की सांसों को बचाने का नेक काम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनीता रावत और आप देख रहे हैं JJN न्यूज। उनके द्वारा किए गए काम को लोग कोविड-19 का छक्का भी बता रहे हैं। लोग उनके कार्य से इतना खुश हैं कि लोग उन्हें गरीबों का सुल्तान भी बुलाने लगे हैं। अब ऐसा क्या किया वीरेंद्र सहवाग ने जो रातों रात लोग के लिए वो मसीहा बन गए? दरअसल वीरेंद्र सहवाग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने दोस्त का जिक्र कर रहे हैं कि उनके दोस्त को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बहुत ज़रूरत थी, जिसे उन्होंने उस तक पहुँचाया और उसकी जान बच पाई। इस वीडियो में कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे समय में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो कि बेहद ही गलत है। मेरा एक करीबी दोस्त है, 2-3 हफ्ते पहले अचानक उसका फोन आया। उसकी आवाज सुनकर लगा कि अगर तुरंत कुछ नहीं किया तो शायद एक दोस्त चला जाएगा। काफी जगह फोन लगाया, 2-3 घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अरेंज हो पाया। सच कहूं दोस्तों, मैंने इससे पहले कंसंट्रेटर का नाम तक नहीं सुना था। अभी भी बहुत नहीं जानता, पर इतना पता है कि अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम है तो इससे सांस लेने में आसानी हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल सामान्य करने में भी काफी मदद करता है। कई बेकार लोगों ने काला बाजारी करके 50-60 हजार की ये चीज मजबूर लोगों को 2-3 लाख रुपए में बेची है। गरीब आदमी पैसा जोड़ता रहा और कईयों की जान चली गई। पर इंसान के पास पैसा हो या ना हो, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए दिल्ली में हमने मिलकर एक फ्री ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया, ताकि जिनको जरूरत हो उनको सांस मिले और उनके अपनों को राहत की सांस। अगर आपके कोई रिश्तेदार को सख्त जरूरत है तो आप हमारी ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और आपके उपयोग के बाद इसको वापस कर दें, ताकि कोई और जरूरतमंद इसका। वीडियो के माध्यम से उन्होंने लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जानकारी दी है, साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है जिस पर आम नागरिक संपर्क कर सकता है। तो देखा आपने, मुल्तान के सुल्तान यूं ही अपनी दरियादली के लिए मशहूर नहीं है। ऐसे समय में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाकर जो उन्होंने लोगों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है, वो अपने आप में बेहतरीन मिसाल है। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।